हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, बिग बुल भी कहते हैं, उन्होंने एक शेयर में एंट्री ली है। यूँ तो बहुत सारे शेयर में लिए, बट हम पर्टिकुलर एक शेयर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले सेप्टेम्बर में उसे शायद अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, क्या हम उसे उसमें हमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अगर झुनझुनवाला ने लिया है तो हम भी लेंगे या नहीं लेंगे, तो इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो हम आपके पास लाते रहें। तो आइए शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिटर्न। तो देखिए, वन डे का रिटर्न पॉजिटिव, वन वीक, वन मंथ, थ्री मंथ्स, सिक्स मंथ में लगभग 77% के रिटर्न दिए। और बट हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न, हमारा जो व्यू होता है हमेशा लॉन्ग टर्म की होता है। वी आर नॉट हेयर फॉर फ्यू परसेंटेज, मतलब 5, 10, 15, 50% के लिए हम यहाँ पर नहीं आए। जैसे कि लोग करोड़पति बनते हैं, तो वो करोड़पति तब बनते हैं जब वो मल्टीपल, मतलब 1000%, 2000%, 5000% कमाते हैं मार्केट से, तब जाके वो मल्टी बैगर शेयर से करोड़पति बनते हैं। तो वही हम बताना चाहता हूँ कि हमारा टर्म ये छोटा मोटा जंप से नहीं है। हमारा मतलब है ये जो ये पीरियड्स होते हैं ना, ये पीरियड्स, इसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उससे मतलब होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म में बड़ा घाटा दिया इस कंपनी ने। एज वेल एज अगर हम बात करें इसके बैलेंस शीट की, तो रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट कंटिन्यूसली। जैसे कि आप देख रहे हैं 764, फिर 813, और अभी लगभग 965.70 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात की जाए, तो पहले बोरोइंग कुछ भी नहीं थी, बट लास्ट ईयर 67.99, और उधर से घट के लगभग 29.68 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग अभी भी इनकी बाकी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें, तो देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंटिन्यूसली इनकी बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 340 थी, अभी 373 है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग बोरोइंग कंटिन्यूसली बढ़ते जाना, घटना अच्छी बात होती है, बट अगर बिजनेस के पर्पज़ से कुछ मेन उद्देश्य है, तो बोरिंग लेना भी कोई गलत बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एज वेल एज अगर हम बात करें करंट इन्वेस्टमेंट की, कोई भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया नहीं है इस कंपनी ने। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ता जा रहा है, जो कि लगभग 160 करोड़ कह सकते हैं कि इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो बैलेंस शीट इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है और इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है। तो ये हो गई बात इसकी। एज वेल एज अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर्स के पास देखिए पहले 24.68 था, ओके, जो कि 2000 मार्च 2020 तक सेम था। प्रमोटर्स ने अभी अपनी हिस्सेदारी घटा के, जो लेटेस्ट सितंबर का है, तो 21.7% की हिस्सेदारी कर लिया, जो कि बहुत बेकार बात है। इस तरीके से शेयर बेचना कोई अच्छी बात नहीं होती। और अगर देखें और प्लस की बात की जाए, तो लास्ट ईयर तक मार्च तक प्लस थे इनके शेयर 12.43, ओके, जो कि अभी देख रहे हैं तो कोई भी शेयर उनका प्लस नहीं है, जो कि अच्छी बात है कि उन्होंने अपने शेयर जो प्लस कर रखे थे वो छुड़ा लिए। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए, तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर ने किस तरीके से पहले तो इंक्रीमेंट यहाँ पर शेयर्स को बढ़ाए, बट अभी उन्होंने अपने शेयर्स निकाल लिए, और वो भी छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, लगभग 10% को कह सकते हैं कि 9% के शेयर्स उन्होंने इस कंपनी से निकाल लिए, जो कि सही बात नहीं है, ओके। टोटल DIS की बात करें, तो DIS ने थोड़ा सा अपना इंक्रीमेंट कर लिया है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल ही घटा दिया, जीरो कर ली है, और इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, तो 0.71 हो गया। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, 3.452 है। अदर DIS ने थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, तो 16.75 है। और अदर्स की बात की जाए, तो लगभग 44.16% की हिस्सेदारी है। तो ये पूरा शेयर होल्डिंग यहाँ पर पैटर्न है, जो कि आपके सामने मैंने ला दिया है। अब बात करते हैं कि इसके आज के परफॉर्मेंस की। तो ये शेयर 52 वीक लो अगर देखा जाए, 7 अप्रैल को जब पेंडामिक चल रहा था, लगभग 73 रुपीज़ में चल रहा था, और 52 वीक हाई की बात की जाए, तो लगभग 237.75 रुपीज़ का शेयर इनका 16 जून 2020, मतलब पेंडामिक से पहले चल रहा था। और आज के डेट में देखिए 68.51% की डिलीवरीज उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, तो प्रमोटर्स के पास 21.70% की शेयर है। अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ओके, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देख लेते हैं, पहले इस शेयर का नाम देख लीजिए, शेयर का नाम है VA Tech
वाबैग लिमिटेड, ओके, ये एक जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, वी ए टैक वाव लिमिटेड, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी विद हेडक्वार्टर इन चेन्नई इंडिया, फाउंडेड इन ब्रिसलॉ इन 1924. द कंपनी इज फोकस ऑन वाटर ट्रीटमेंट फॉर म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल यूजर. द कंपनी हैज़ कंप्लीटली मोर देन 6,000 प्रोजेक्ट्स एंड इन द प्रेजेंट अक्रॉस 30 कंट्रीज. तो वाटर जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये कंपनी जानी जाती है. तो आप जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, राकेश झुनझुनवाला ने इस शेयर में एंट्री ली है सितंबर में, और जब उन्होंने किस लेवल पर किस प्राइस पर एंट्री ली है, ओके, बताया जा रहा है कि सितंबर में ली है. अगर देखा जाए 1 मंथ का, तो उन्होंने काफ़ी निचले स्तर पर ही इन्होंने एंट्री ली होगी. ऐसी बात तो है नहीं कि उन्होंने अभी एंट्री ली है, तो हमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो देखिए, राकेश झुनझुनवाला ने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. बहुत सारी, अभी उन्होंने लगभग 8 कंपनीज में विद इन फ्यू मंथ्स उन्होंने 8 कंपनीज में एंट्री ली है. कुछ कंपनीज से उन्होंने एग्जिट भी लिया है. तो हमें उनकी उनकी स्ट्रेटजी अलग है, उनका जो रिस्क लेने का पोटेंशियल है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, ओके. और उनके पास जो पैसे है, उनकी जो वेल्थ है, हमसे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा. तो हम उनके सामने एग्जिस्ट भी नहीं करते इतनी है. तो क्या हमें, उन्होंने एंट्री ले ली तो हम भी लेंगे? देखिए, राकेश झुनझुनवाला कोई ऐसा इंसान तो है नहीं कि जो हमारे बारे में सोचेगा. ही विल थिंक अबाउट हिमसेल्फ ओनली, ओके. तो वो अपने बारे में सोचेगा, तो उसे वो अगर आज कल की डेट में उसने एंट्री ली है, तो हो सकता है कि 5 दिन बाद जब ये शेयर बढ़ गया तो वो बेच भी दे और हम निकल भी ना पाए, ओके. और ये शेयर जब 188 पे चल रहा है तो ये सीधे 100 पे आ जाए. तो उन्हें हमें फॉलो नहीं करना, ओके. हम यहाँ पर किसी को फॉलो करने नहीं आए, ओके. डोंट फॉलो एनीवन, ओके. सीख सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से, हम सीख सकते हैं, बट उन्हें हम फॉलो नहीं करेंगे, ओके. यही एक बात होती है. और अगर उन्होंने एंट्री ली है तो हम भी एंट्री लें उन कंपनी में, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए. जो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है किसी को फॉलो नहीं करता, ओके. विजय केडिया इनके राकेश झुनझुनवाला का अपना गुरु मानता है स्टिल, ओके. विजय केडिया सर अपने उसे फॉलो नहीं करते, वो अपने आप को फॉलो करते हैं, वो अपनी स्टडी को फॉलो करते हैं. स्टडी ठीक हुई, हर एक का पोर्टफोलियो अलग होता है, उनका पोर्टफोलियो अलग है, इनका पोर्टफोलियो अलग है. तो किसी को फॉलो मत करिए, ओके. मेरा कहना यही है. और इस कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं. देखिए, 6 मंथ तक तो अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए है. ये टिल डेट भी देखेंगे तो अच्छा खासा ये भाग रहा था, और फिर के पेंडेमिक में सब शेयर गिरे हैं. बट अगर देखें 1 ईयर में देख लीजिए, ओके, लाल निशान. 5 ईयर में देख लीजिए लाल निशान, और मैक्सिमम देख लीजिए, मैक्सिमम ये शेयर लगभग 900 रुपये पर ये शेयर चलता था, और अभी कितने का है? 188. अगर 900 रुपये का शेयर 188 पे आपको मिल रहा है, ओके, और आपको इस तरीके से गिरावट पे गिरावट, कंटिन्यूसली गिरावट देखी जा रही है, तो ऐसे शेयर से बचना ही चाहिए. और हमारे पास इतनी ज़्यादा पूंजी तो नहीं है कि हम इसमें लगा दें और लगा के भूल जाए. तो हमें ऐसे ऐसे शेयर्स में, देखिए शेयर मार्केट में रिस्क रहता है, ओके. कल को ये शेयर हमें 300 रुपये भी जा सकता है, और ये 1 रुपये भी आ सकता है. तो इसलिए कोई और अच्छे अच्छे शेयर जो रिलायंस का भी होता है, वो भी जो अभी भागे हुए हैं, ओके, 800 रुपये का शेयर 2200-2300 तक गया है, तो वो कल की डेट में वो भी गिर सकता है, और वो उससे ज़्यादा भाग भी सकता है. तो कोई हम कह नहीं सकते कि कौन सा शेयर भागेगा, कौन सा शेयर गिर जाएगा. तो बट हमें अच्छे शेयर्स में रहना है, क्योंकि हमारी पूंजी अलग है. तो रिस्क ये है कि इस कंपनी में अगर ये कल को गिर जाती है, कल को ये बढ़ के गिर जाती है, तो ये इसका उठना कब उठेगी, कब भागेगी, हमें कुछ नहीं पता. बट रिलायंस अगर कल की डेट में गिर जाती है, तो लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि रिलायंस के प्रोजेक्ट अलग है, रिलायंस का व्यू अलग है, उसका सोच अलग है, ओके. और कल की डेट में अगर रिलायंस गिर जाती है, लोग खरीदेंगे, और वो कंपनी फिर दोबारा उसी लेवल पर, बल्कि जिस लेवल पर आज है, उससे ज़्यादा तेज भागेगी. तो इसलिए अच्छी कंपनी में रहना जरूरी है, क्योंकि कल को गिर भी जाए तो वो कमबैक जरूर करे. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ओके, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 900 रुपये का शेयर 188 में मिल रहा है. तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम इसमें एंट्री लें. राकेश झुनझुनवाला की रिस्क कैपेबिलिटी अलग है, और ऐसी बात नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला को हर एक शेयर में प्रॉफिट हुआ है. बहुत सारे शेयर में आप देखेंगे तो उन्हें घाटा हुआ है. और राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो दिखा दूँ तो देखिए, यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला का ये पोर्टफोलियो है, और इस शेयर जो इसकी बात कर रहा हूँ, लगभग 98 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं. तो एपटेक देखिए, एनसीसी, रैलीज, वीए बैग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 94 करोड़ रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किए, 50 लाख शेयर खरीदे बने. तो बताना चाहता हूँ, हर एक शेयर में हम एंट्री नहीं ले सकते, उनकी
रिस्क कैपेबिलिटी अलग है, हमारी रिस्क कैपेबिलिटी अलग है, उनका पोर्टफोलियो अलग है और हमारा पोर्टफोलियो भी अलग होना चाहिए। भी हमें किसी को भी आँख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है। ओके, और अच्छे अच्छे जो आप बड़े बड़े लोगों को देखोगे तो वो किसी को भी फॉलो नहीं करते, वो दे अपनी खुद की स्टडी करते हैं और अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं और वो अच्छा खासा गेन लेते हैं। तो अगर इसमें से राकेश जुनियावाला के पास जितने भी शेयर लगा लिया जाए, अगर 15 और 20 शेयर 50 शेयर भी है, उनमें से अगर उनका 4 शेयर भी चल लेते हैं, ओके, तो वो सारे के शेयर के लॉस को कवर कर देंगे, ओके। बट हमारे पास अगर हमारे पास 2 शेयर है और 2 शेयर ही गिर जाए तो हमारे लॉस को कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी है नहीं। तो इसलिए आप उनके पोर्टफोलियो को देख के अपना पोर्टफोलियो मत बनाइए, अपना पोर्टफोलियो अलग से बनाइए, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस करिए, देखिए क्या शेयर अच्छा है कि नहीं है, क्या उसका पैटर्न अच्छा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस लॉन्ग टर्म की किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे शेयर्स हैं, ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे एज वेल एज आपको आई बटन पे भी मैं आपको लिंक दे दूँगा अच्छी अच्छी कंपनीज़ के, आईटी के, एफएमसीजी के, तो उसे आप देखते रहिएगा, ओके, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको किस तरीके शेयर में रहना चाहिए। तो यही सारा व्यू था कि राकेश झुंझुनवाला ने एंट्री लिया कि हम भी एंट्री लें, तो वो मैंने अपना ओपिनियन रखा है। आपको अगर मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज अगर आपको आप हमारे चैनल को बॉस ऑफ फाइनेंस शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।